एक सवाल जो मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि फारू भाई, पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट में क्या डिफरेंस है? हम किधर चले गए, वो किधर चले गए, ये डिफरेंस कैसे पैदा हुआ? अच्छा, एक चीज़ आपको बताऊं कि मज़े की बात है कि पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस में ये रियलाइजेशन आ गई है काफ़ी हद तक कि यार, वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग एंड दे आर डूइंग समथिंग राइट। ये रियलाइजेशन आ गई है, इसी वजह से वो पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस अब जानना चाहते हैं कि यार कहाँ पर गड़बड़ है पाकिस्तान की क्रिकेट में और इंडिया की क्रिकेट में। वो ऊपर से ऊपर जाए जा रही है, हम नीचे से नीचे गिरते चले जा रही हैं। कुछ बाय द वे ग्रोसरी वाले हैं, उनको अभी भी समझ नहीं आ रही, वो बिला वजह के कंपैरिजन मोड़ते रहते हैं। और उनका ना बेसिकली अंदर तारे शॉर्ट हैं बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है उधर ना। अंदर का ना जिसे कहते हैं वायरिंग सिस्टम, वो सड़ गया है, और ब्रेन को जाने वाली तो जिसे कहते हैं तारें, सारी की सारी जल घुस गई हैं, वो तो अब नई भी नहीं डाल सकती, तो उधर तो छोड़ ही दो। सबसे पहले गवर्निंग बॉडी, आप गवर्निंग बॉडी चेक करें, बीसीसीआई को चेक करें, आप पीसीबी को चेक करें, ठीक है? अब बीसीसीआई का इन्फ्लुएंस, उनके पास पैसा, उनके हिसाब किताब वो देखें, और पीसीबी को देखें। आप बीसीसीआई के डिसीजंस देखें, आप पीसीबी के डिसीजंस देखें। बीसीसीआई वालों को बहुत पहले समझ आ गई थी, जब उन्होंने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेचना शुरू किए, तो उन्होंने कहा गुरु पैसा तो आ रहा है, लेकिन यार ये पैसा सस्टेन कैसे करेगा? पैसा सस्टेन ऐसे करेगा कि अगर हम क्रिकेट एंटरटेनमेंट के तौर पर देते रहे। क्रिकेट एंटरटेनमेंट के तौर पर कैसे देंगे? टीम अच्छा खेलेगी तो। उधर उन्होंने जो ब्रॉडकास्टिंग से पैसा बनाया उसको क्रिकेट में इंजेक्ट कर दिया कि भैया क्रिकेट जिंदा रहेगी तो ब्रॉडकास्टिंग चलती रहेगी, ब्रॉडकास्टिंग चलती रहेगी तो हमारे पास पैसा आता रहेगा। तो उन्होंने कहा कि भैया क्रिकेट नहीं मरनी चाहिए, जो मर्जी हो जाए निकालो प्लेयर्स, घुसाओ इतना पैसा इस क्रिकेट में कि हम उस पैसे के बलबूते के ऊपर मुक्त कर दें लड़के को बाकी तमाम टेंशन से। उसको कहें जानू फोकस ऑन योर क्रिकेट, बाकी हम टेक केयर कर लेंगे, आप देख लें। फिर पीसीबी, पीसीबी की मिसाल समझ लो, अभी एक अंडर 19 का क्रिकेट टूर्नामेंट होना था, छोटे छोटे बच्चों का अंडर 19 का, तीन मेरा ख्याल है सिटीज़ में वो होना था, पता नहीं पिंडी में, पिशावर में और एक कहीं और, इसी तरह के कुछ तीन सिटीज़ में, सुनना ज़रा। और उस अंडर 19 टूर्नामेंट का जनाब हाल ये हुआ कि फ्लाइट बुकिंग्स हो गई, होटल अरेंजमेंट्स हो गई, रिजर्वेशंस हो गई, सब कुछ हो गई, और एकदम से पीसीबी को ख्याल आया कि ओहो, गैरी कस्टर ने तो हमें कहा था कि वो ये टूर्नामेंट खुद देखना चाहता है, खुद मॉनिटर करना चाहता है अंडर 19 के बच्चों को, मेंटोर्स चैंपियंस कप के, उन्होंने भी ये कहा कि हम छोटे छोटे बच्चों को खेलते हुए देखना चाहते हैं ताकि हम इनमें से टैलेंट निकाल सकें। तो पीसीबी कहता है कैंसिल कर देती है ना, दिक्कत क्या है, लाखों करोड़ों रुपये लग गया तो क्या फ़र्क पड़ता है, पैसा बहुत है अपने पास। समझ आ गई बीसीसीआई किधर ऑपरेट कर रहा है और आपकी गवर्निंग बॉडी किधर बैठी हुई है। ठीक, फिर आते हैं जनाब डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के ऊपर। उनके भी तीन मेजर टूर्नामेंट्स हैं डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के, आपके भी तीन हैं, लेकिन वहाँ पर चक्कर यह है कि वहाँ पर डोमेस्टिक क्रिकेट में जो टैलेंट का पूल है ना, वो बहुत नेक्स्ट लेवल का है। उनकी T20 लीग भी बड़ी ज़बरदस्त है, टैलेंट वहाँ से भी आता है। खैर, टैलेंट वहाँ से नहीं आता, टैलेंट तो उस लीग में आके पॉलिश होता है, टैलेंट तो नीचे से आता है ग्रास रूट लेवल से। ठीक हो गया, अच्छा वही ना, उसको आप नाम दे दें ग्रास रूट लेवल डेवलपमेंट और टैलेंट की जो पाइपलाइन, दोनों उसमें है। अब अगर आप इंडिया का ना कहाँ से आता है टैलेंट, अब सुनो ज़रा, बीसीसीआई घुसा हुआ है स्कूल्स के लेवल तक, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़, उन्होंने जनाब हर जगह के ऊपर ना अपना बंदा बिठाया हुआ है बीसीसीआई वालों ने, कि जहाँ कहीं कोई बंदा बच्चा नज़र आता है ना कि इसमें टैलेंट है, विच करो उसको, बाकी उसकी पढ़ाई लिखाई सारा कुछ चलता रहेगा, उसको साथ साथ क्रिकेट खिलानी है। हमारे यहाँ पर डोमेस्टिक क्रिकेट में जो हिसाब किताब है वो आपको पता ही है, आपके स्कूल में कितनी क्रिकेट होती है, आपके कॉलेजेस में कितनी क्रिकेट होती है, आपकी यूनिवर्सिटीज़ में कितनी क्रिकेट होती है, और अगर क्रिकेट होती भी है तो क्या पीसीबी उस क्रिकेट में इन्वॉल्व है? समझ आई, आगे चलते हैं। फिर आता है जनाब फाइनेंशियल मॉड्यूल, फाइनेंशियल मसल्स। बीसीसीआई छोटे छोटे बच्चों को अच्छा खासा पैसा देता है क्रिकेट खेलने का डोमेस्टिक में, नीचे के लेवल तक, और मेरा ख्याल है वो कुछ लाख रुपया तो एक मैच का देते हैं रणजी ट्रॉफी में, अगर मैं गलत नहीं हूँ। मुझे कुछ दिन बता रहा था एक इंडियन दोस्त, था मुझे याद नहीं आ रहा, पता नहीं 90,000 के 1 लाख इंडियन रुपीज़, कुछ इस तरह की स्टेटमेंट कोई रकम थी। आप डोमेस्टिक क्रिकेट में कितनी देते हैं? आप तो इसका मेरा ख्याल आधा भी नहीं देते शायद, 1 लाख इंडियन रुपीज़ आप देख लो ना कि आप उसमें पाकिस्तान में कितना पे करते हैं, मेरा ख्याल है इसका आधा भी नहीं होता होगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उससे कम ही होता होगा। और ये उससे थोड़ा सा नीचे जाएँ तो इन पैसे
इंडियन क्रिकेट में थोड़े पैसे कम होते जाते हैं, लेकिन इतने कम नहीं होते कि बंदा कहे कि यार इन पैसों के लिए मैं क्रिकेट खेलूँ। वो खेलता है, उसको पता है कि पैसे आ रहे हैं, जस्ट पैसे मम्मी पापा के हाथ में, मम्मी पापा खुश, मम्मी पापा कहते हैं जा बेटा खेल क्रिकेट, बन अगला सचिन, बन अगला विराट, बन अगला रोहित, बन अगला बुमराह, हम तेरे साथ खड़े हैं। स्टडीज़ भी चल रही हैं, क्रिकेट भी चल रही है, माँ बाप के पास पैसा भी आ रहा है, खुश हैं वो। पीसीबी की इस किस्म की कोई पॉलिसी नहीं है, पीसीबी अल्लाह तवक्कल चलता है। पीसीबी कहता है कि हमारा ना मौजा हो जाए, अचानक से कोई क्रिकेटर उठ के सामने आ जाए। ये कहते हैं क्रिकेटर ना प्रकट हो, पीसीबी वाले ये कहते हैं कि बस ऊपर से कहीं से कोई क्रिकेटर गिरे हमारी झोली में और हम उसे खिला लें। बीसीसीआई वाला कहता है कि ऊपर से गिरने के वेट करने की बजाय ऐसा करते हैं कि अपने बनाने शुरू कर देते हैं। बीसीसीआई इस लेवल के ऊपर चीजों को लेकर चलता है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैसिलिटीज हैं, ग्राउंड्स हैं। पाकिस्तान में कितने इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड्स हैं? मैं आपसे नाम पूछूं, पिंडी, मुल्तान, लाहौर, कराची, फैसलाबाद, बस उधर मुंबई, दिल्ली, कानपुर, विशाखापट्टनम, पुणे, लखनऊ, धर्मशाला, और कौन से हैं, ठहरो, इतने हैं भाई, हैदराबाद, इंदौर, ठीक है, राजकोट, रांची, ग्रेटर नोएडा, गुवाहाटी, देहरादून, मतलब इससे आप अंदाज़ा लगा लेना। और अभी अब मैंने आपको कुछ बताए हैं, बाकी तो रहने ही दो। तो देर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन बोथ द क्रिकेट्स यार, बड़ी डिटेल्ड इसमें डिस्कशन हो सकती है, मैं मतलब घंटों बोल सकता हूँ इन दोनों में। ये आपको मैंने मोटे मोटे डिफरेंसेस बताए हैं। बॉटम लाइन मैंने ये अंदाज़ा लगाया है, बीसीसीआई का माइंडसेट ये है, पैसा है गुरु, क्रिकेट पर लगाओ, क्रिकेटर्स प्रोड्यूस करो, टैलेंट को सामने लेकर आओ, और उससे एक जिसे कहते हैं पब्लिक का जो इंटरेस्ट है क्रिकेट में वो बरकरार रखो। पब्लिक का इंटरेस्ट बरकरार रहेगा क्रिकेट में तो फिर पैसा जो है ना वो फ्लो करके एड्स, ब्रॉडकास्टिंग, लटरम पटरम, आईपीएल सारा मिला मुलू के दोबारा हमारे पास आ जाएगा। तो बीसीसीआई पैसे भी कमा रहा है, उन पैसों से वो अपनी क्रिकेट को फ़रोग भी दे रहा है। पीसीबी पैसे कमा रहा है और वो पीसीबी पैसे बस खाए जा रहा है खुद ही, वो कहीं पर पीसीबी पैसे लगाता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये डिफरेंस है। पीसीबी का फार्मूला या माइंडसेट ये है कि ऊपर वाला जो है वो हमें क्रिकेटर्स हर साल अगर दो चार गिफ्ट कर दें, फरिश्ते छोड़ जाएं हमारे दफ्तर के बिल्कुल बाहर, तो क्या ही बात है। और बीसीसीआई कहता है कि फरिश्तों का वेट करने से बेहतर ये है कि जब हमारे पास पैसा है तो वाई नॉट कि हम क्रिकेटर्स बनाने खुद ही शुरू कर दें। बस दुखी कहानी है, लेकिन अब क्या करें, जो सच है वो सच है। ये है मोटे मोटे डिफरेंसेस, बाकी किसी ने कोई डिटेल बात करनी हो तो वो भी कर लेंगे किसी दिन। इस वीडियो में इतने, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।